गाइस वेलकम बैक टू सनायना दिल व्लॉग्स। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ। सॉरी मैं अपने बर्थडे की वीडियो नहीं बना पाया था और आज हम करने वाले हैं गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग वीडियो। तो गाइस सबसे पहले आदिल करेगा, फिर मैं करूँगी, फिर आदिल करेगा, मैं करूँगी। तो सबसे पहले आदिल दिखाएगा अपना गिफ्ट। तो ये सना आदिल ने दिया ये बुलेट है गन की। कितनी है ये तो दिखाओ पैकेट से। 20 है पूरी। एक में 10 है, एक में 10 है। थैंक यू। अच्छा रख दो फिर, अब मैं दिखाती हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी अपना। सो गाइस ये है एक BTS का मग, बिकॉज वी आर BTS लवर्स। एंड ये आप देख सकते हैं ये BTS का कप है। तो ये मेरे को मेरी बुआ ने दिया था, तो वो बर्थडे पे आई थी, तो इसलिए ये है मेरा एक गिफ्ट। बहुत अच्छा है वैसे तो ये। तो अब आदिल अपना आप दिखाओ। मेरा ये मेरी बड़ी सिस्टर ने दिया था, ये एक ऐसी पढ़ाई वाला टैब है, देखो ऐसे चलता है, चलता है इसमें ऐसे। ड्रॉइंग पैड है और ये डिलीट भी हो जाता है, इस ये बटन है जिससे डिलीट हो जाता है। करके दिखाओ ना उन्हें, देखो ऐसे करा और ये रहा डिलीट बटन, हो गया। आप भी अमेजोन से ले सकते हैं, 129 रुपीज का मिलता है। नहीं हाँ। अच्छा आप हम अब अगर आपको चाहिए होगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप ले सकते हो, है ना। तो अब मैं दिखाऊं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा ये मेरे हैंड में ही है, मैं तो भूल ही गई, ये मेरे हैंड में है। तो ये मेरे को मेरे ना चाचू ने गिफ्ट दिया था। ये एक ऐसे स्मार्ट वॉच है, आप देख सकते हो, अब आदिल दिख रहा है इसमें। ये एक स्मार्ट वॉच है और ये ना वो वाले ब्रांड की है, फायर बोल्ट। तो ये आप देख ले सकते हो अमेजोन से, बहुत अच्छी है। और ये वैसे एक्सरसाइज वाली वॉच है, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। अगर आपको चाहिए तो आप, मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको लिंक, आप चेकआउट कर लेना। अब आदिल आप अपना दिखाओ। ये है सेंट क्ले, ये मेरे मम्मी ने दिया था और इसमें शेप्स भी हैं और कटर भी है। और ये एक बड़ी वाली है सी? और ये देखो अंदर पिंक से निकाल, ये इतने सारे हैं शेप्स वाले, देखिए लाओ मैं पकड़ लूँ, इतने सारे शेप्स वाले हैं। और ये एक कटर नाइफ और ये एक सी हॉर्स है जिसे हमने पेन से ऐसे कर दिया है। और ये देखो ये पिंक कलर की है, पूरे नीचे तक भरी हुई है। हाँ और हम लास्ट में ना आपको ऐसे छोटी छोटी क्लिप लगा के दिखा देंगे। तो हम ढंगड़ी वाली है और ये देखो अंदर पिंक से निकाल, ये इतने सारे हैं शेप्स वाले, देखिए लाओ मैं पकड़ लूँ, इतने सारे शेप्स वाले हैं। और ये एक कटर नाइफ और ये एक सी हॉर्स है जिसे हमने पेन से ऐसे कर दिया है। और ये देखो ये पिंक कलर की है, पूरे नीचे तक भरी हुई है। हाँ और हम लास्ट में ना आपको ऐसे छोटी छोटी क्लिप लगा के दिखा देंगे। तो हम ढंग से दिखा सकते हैं आपको इस एंड क्लियर। ये सब छोड़ दो, अभी से उधर रख दो, सब रख दो मन कर। तो मैं अपना गिफ्ट दिखाती हूँ आपको। तो मैं ये अपना बैग दिखाती हूँ। तो ये मेरा एक ऐसे बैग है, ये देखो ऐसे राउंड बैग है, ऐसे ना साइड में इसका ऐसे ले सकते हैं हम, ऐसे करके कहीं भी घूम जा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे चाचू ने दिया था। तो वो मेरे बर्थडे पे नहीं थे तो उन्होंने मेरे को भाई से पार्सल कर दिया था। तो आप देख सकते हो, अब अगर वो आएंगे तो हम उनके साथ भी वीडियो बनाएंगे। बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारा स्पेस है, ऐसे सामने से देखने में छोटा लग रहा है। और इसकी ये मुझे चेन बहुत अच्छी लगी। और इसकी ये देखो आप, ये की वो है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ अंदर से कैसी है। इसमें सामान रख रखा है। तो ये देखो इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, आप बहुत कुछ डाल सकते हो, फ़ोन और बाकी कुछ भी सामान जो अपना होता है, मास्क वास्क। तो इसमें मैंने अपना मास्क डाल रखा था, रबर बैंड। तो ये बहुत यूज़फुल है, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो आज लिखाएगा अपना गिफ्ट। ये मेरे को चाचू ने दिया था, ये ड्राइंग का पूरा सेट है, डॉम्स का आर्ट है ना। हाँ डॉम्स का आर्ट का फुल सेट है। क्या क्या इसमें दिखाओ आप, इसमें डॉम्स के ऑयल पिस्टल बाद में रख दूंगी, इसमें डॉम्स के ऑयल पिस्टल कलर्स हैं, आप निकालो मैं ये पैक्ड है।
नहीं नहीं दिखा देते हैं। और ये एक थोड़े से कलर्स हैं। कौन से कलर्स हैं? डॉम्स के प्लास्टिक क्रेयॉन्स। ये देखो ये है हमारे ऑयल पेस्टल्स और ये शॉपनर है। ये प्लास्टिक क्रेयॉन्स है, इसमें 6 कलर्स है शायद। और ये स्केच पेन है। ये और ये और तो पेंसिल कलर है ना, पेंसिल कलर है। और ये क्या है? ये शायद और ये वैक्स क्रियॉन्स है। ये वैक्स क्रियॉन्स बस हो गया। और ये तो वो है फाइल है ना, आर्ट फाइल है। चलो रख दो, आपको आदिल कैसे लगा है गिफ्ट? ऐसे रख दो, हम अच्छा है। अच्छा है, यूजफुल गिफ्ट है ना आदिल के लिए। आदिल का तो सारा काम हो जाएगा। ऐसे ही रख दो, हम बाद में रख देंगे। अब मैं दिखाऊं तो मैं दिखाती हूँ आपको अपने पापा का गिफ्ट। तो मुझे ये मेरे पापा ने एक ऐसे नॉट वाला नीचे से गिफ्ट दिया था। ये टी शर्ट है, आपने मेरा बर्थडे ब्लॉग में देखा होगा, तो मैंने यही पहना था। इसके नीचे आप पेयर ऑफ वाइट जीन्स के साथ, तो आप देख सकते हो ये है एक बहुत सुंदर वाइट कलर का टॉप जिसके जिस पे ऐसे वाटरमेलन बने हैं पिंक कलर के, और इस पे लिखा है, आदिल पड़ेगा क्या लिखा है? मोर सेल्फ लव बेबी। तो ये लिखा है इस पे, और ये नीचे से ऐसे करके नॉट बन जाता है। आपने मेरे यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, आदिल आप थे उस यूट्यूब वीडियो में? नहीं थे शायद। हाँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये मैं आपको लास्ट में सबको दिखा दूंगी, तो आप आगे दिखाएगा अपना गिफ्ट। और ये मेरे को दूसरे वाले चाचू ने दी थी नर्फ गन, इसी की बुलेट्स थी वो जो सुनंदा ने दी थी। और अभी उन्होंने वीडियो गेम भी ऑर्डर किया, वो आएगी तब हम उसकी वीडियो डाल देंगे। हाँ। शॉर्ट्स में डाल देंगे देखो। और हम ये लास्ट में आपको चला के दिखाएंगे, तब देखना। तो ऐसे ऐसे दिखाओ ना अच्छे से, ये नर्फ गन है ना शायद, ये ऐसे चलती है पीछे की। अभी तो है देखो, ये इसमें से निकली देखो थोड़ा। ठीक है, हाँ तो ये इसके साथ पहले से बुलेट्स आई थी, पर आदिल ने क्या करा, खो दी। चलो छोड़ो, हम लास्ट लगा दूंगा ना, फिर ऐसे गुम हो जाएगी। कोई नहीं, अब तो बहुत सारी हमारे पास। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे ये लोफर्स टाइप बेलीज, ये देख सकते हो आप, बड़ी अच्छी है। इस पे आगे बो बनी हुई है, ब्लैक कलर की लोफर है, ये बहुत कंफर्टेबल है। ये हम ऐसे ही कुछ शॉप से लेके आए थे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मैंने पहनी थी अपने बर्थडे पे। तो थैंक यू सो मच। अब आदिल अपना गिफ्ट दिखाएगा। ये निकल गया, ये मेरे पापा ने दिया था फुल आर्चरी सेट। ये इसमें 3 एरोज मिले हैं और एक ये और इसका ये जिस पे मारेंगे ना, इस पे कील लगा के टांगना है। इसमें 3 एरोज मिले हैं और एक ये और इसका ये जिस पे मारेंगे ना, इस पे कील लगा के टांगना है। ये आपको बीकानेर के पास एक शॉप है, वहाँ से मिल सकता है। वहाँ पे बहुत सारे रखे हैं। कैसे लगा दिले आपके गिफ्ट? अच्छा मस्त। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे वही चाचू ने मेरे को 3 गिफ्ट दिए थे। तो क्या हो गया, रखे हैं ऐसे रख दो, ये टूट जाएंगे ना छोटे वाले। तो ये मेरे वही चाचू ने मेरे को 3 गिफ्ट दिए थे, तो ये तीसरा गिफ्ट है उनका। ये है एक BTS की हुडी, ये पता नहीं उसमें पिंक दिख रही है ना, पिंक दिख रही है, पर ये है पर्पल। आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी हुडी है, इस पर एक बड़ा सा ऐसे बहुत ज़्यादा चमकता सा BTS का साइन बना है, और ये BTS लिखा है। और ये देखो आ गया मेरा हाथ, कहाँ चला गया। ये देखो ये ऐसे हाथ पार है, और ये फुल स्लीव्स की है, ऐसे ठंडी में बहुत अच्छी काम करेंगी। और इसके ऊपर एक कैप है, ऐसे 2 रोज है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सो 10, कितने मार्क्स दूँ इसको मैं? 10 out of 10, अच्छी है। तो आदिल आप अपने सारे गिफ्ट्स को कितने मार्क्स दोगे कैमरे में देखो? 10 out of 9। 9 क्यों? हाँ, एक नंबर क्यों काटा, सामने देखो ना, एक नंबर क्यों कट करा है?
एक नंबर इसलिए क्योंकि उसमें इरेजर नहीं थी आठ वाले में, पर आपने तो पेंसिल इरेजर निकाल ली थी ना है? हाँ याद आया। हाँ। अच्छा तो मैं भी 10 out of 10 दूंगी। अच्छा तो गाइज आप हमें कमेंट करो कि आदिल के साथ हम एक ढंग से आदिल के साथ हम एक फूड ब्लॉग करें या फिर ऐसी अच्छा सा आपको वियर्ड चैलेंज आदिल कैसे चैलेंज बनाओगे, फन चैलेंज, फूड चैलेंज, पॉइंटलेस ब्लॉग? फन चैलेंज गेम्स वाला? तो हम गेम्स वाला चैलेंज करेंगे आदिल ने बोला क्योंकि आदिल बहुत टाइम के बाद आया। आप हमें कमेंट करना कि आपको हमें कौन सा चैलेंज चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में करना कि आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए। तो अब इसको करके दिखा दें सब। हाँ ये अभी हम लास्ट में ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स लगा देंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। देखो गाइज ऐसे चलता ही है, सना नादिल व्लॉग्स लिख देते कट करके सना नादिल व्लॉग्स। तो एक मिनट, पीछे से ऐसे पीछे से ऑन हो जाता है ये। अब लिखते हैं वो क्या हो गया, एम हो गया, देख सकते हो गाइस आप ऐसे चलता है। चलो बस ये ढंग से होने रहा है ना, मोटा मोटा। तो ये था आदिल का उसकी बड़ी सिस्टर का गिफ्ट। अब देखो गाइस ये ऐसे इसको इसमें डालना होता है यहाँ से और ऐसे फिर छोड़ दिया। वो सो गाइस ये अभी आदिल इस प्लेट में अपना ये देखो ये सारे इसके वो आए थे, इन्हें वो शेप्स बोलते हैं ना। देखो गाइस ये देखो कैसे होगा, आदिल अब केक कट करेगा। रुक जाओ केक तो कट करो नकली कर। आज इसका भी ये बर्थडे हमारे व्यूअर्स का, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। डिंग 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 आदिल खिलाता था लो खा लो। जो अब इस पे आप शेप्स बना सकते हो, ये रैबिट वाला शेप लेते हैं। रुको देखो ये कैसे होता है, ये सैंड क्ले है इसलिए तो ये टूट जाता है, अपने आप गिरता ही है ऐसे। हाँ देखो मैं दिखाती हूँ, चलो अब शेप बना के दिखाते हैं। जल्दी से एक शेप बना दो फिर हमें और भी दिखाना है। चलो हो गया, देखो ये रैबिट वाला है। अब आदिल रैबिट निकाल देगा तो आप देखना कैसे होगा। आदिल हैंड तो देखो गाइस कैसे है, हम इसको रैबिट की एक आँख तो बनाओ। हो गया डन। तब हम आदिल आपको गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा है। तब हम दूसरा गिफ्ट दिखाते हैं। देखो गाइस इसको ऐसे करना पड़ता है, पहले इसको पीछे फिर आगे फिर इधर ही डाल देना, फिर देखो यहाँ पे गई ऐसे निकलती है। तो गाइस आप देख सकते हो ये मेरे को मेरे मम्मी ने दी थी, ये ऐसे लूफर्स और ये बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल हैं। गाइस आप देख सकते हो ये है हमारा वो बैग, ये है हमारा वो बैग। दिस इज सो गुड लुकिंग बैग, यू कैन सी इट लुक्स सो गुड, आई लाइक इट सो मच एंड दिस चेन इज आल्सो सुपर फाइन, वेरी गुड। सो गाइस हियर आई एम हैविंग दिस BTS हुडी, तो ये आपको ऐसे पर्पल में दिख रही है। दिस इज सो गुड, सो मच गुड। मल्ची ओवर साइज सी हुडी है ये। आप गाइस हमारे जल्दी से 100 सब्सक्राइबर कर दो, बहुत थोड़े से बच्चे हैं करने के लिए, तो प्लीज जल्दी से कर दो। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।